हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं आलू सोयाबीन की मसालेदार सब्जी। ये देखिए कितना रसीला है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे हम रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत कम चीज़ों के साथ बन जाता है, जो घर पर इजीली अवेलेबल चीज़ें होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है प्याज, जिसे कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टमाटर की प्यूरी, और ये मैंने लिया है 2 आलू, जिसे कुछ इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सोयाबीन, लगभग 30 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में भिगा कर रखा था मैंने। ये देखिए कितना अच्छी तरह से फूल गया है। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन, जिसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। और इसमें हम सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद इसमें आलू डाल देंगे, और आलू के पीसेस डालने के बाद इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। तो ये देखिए अब ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है एक तरफ से, तो अब हम इसे पलट देंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट में ये दोनों तरफ से एकदम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो अब हम इस आलू को कुछ इस तरह से निकालेंगे इस छन्नी में, ताकि इसका जो तेल है वो स्टेन हो जाए एकदम अच्छे से। तो ये देखिए हमारा आलू कितना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसी बचे हुए तेल में प्याज भी डाल देंगे। यहाँ पर तेल ऑलरेडी अच्छी तरह से गर्म होता है, तो जैसे ही हम प्याज डालेंगे 25 to 30 seconds में ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे डाला है इसका कलर चेंज होने लगा है। और अब हम प्याज को भी इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे और इसका तेल स्टेन होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए प्याज कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसी तेल में सोयाबीन डाल देंगे जो हमने सोख करके रखा था। इसका पानी एकदम अच्छी तरह से हमें निचोड़ना है। हमारी आलू सोयाबीन की जो सब्जी होती है पूरी डिपेंड होती है सोयाबीन पर। तो सोयाबीन हमारा जितना क्रिस्पी होगा, जितना ही अच्छे से फ्राई हुआ रहेगा, उतना ही हमारी भाजी टेस्टी बनेगी। तो उसके लिए हमें जो सोयाबीन का पानी है वो एकदम अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ कर निकालना है, और यहाँ पर एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। तो ये देखिए हमारा सोयाबीन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और ऑयल स्टेन होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ब्राउन हुआ है। और अब इसी बचे हुए तेल में हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी इस तरह से लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और हम वेट करेंगे जीरे के तड़कने का और हरी मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज होने का। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा जीरा तड़कने लगा है। तो अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। तो टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे हमें कुछ इस तरह से चलाना है। इसे लगभग 1 से 2 मिनट चलाने के बाद इसे इसी तरह से हम लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इसका पानी है थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो टमाटर यूज़ किया है प्यूरी के लिए वो कच्चे टमाटर थे, तो उसे पकने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लगभग 4 से 5 मिनट लगता है। तो इसी तरह से हम इसे पकने देंगे। और अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है इसमें। इसमें हम ज़्यादा नमक इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी है और नमक पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक पहले डालेंगे स्टार्टिंग में।
और अब हम मसालों को एकदम अच्छी तरह से भून लेंगे और जो टमाटर का पूरा पानी है इसे एकदम अच्छी तरह से जल जाने देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाले में थोड़ा ऑयल कम है तो इसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि एकदम अच्छी तरह से भून जाए। तो ये देखिए मसाले और टमाटर एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब हम इसमें एक एक करके जो हमने सारी चीजें तल कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने आलू डाल दिया है और इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए सोयाबीन। तो ये देखिए हमने सभी चीजों को ऐड कर दिया है और एकदम अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ये सूख चुका है, जो सारे मसाले हैं एकदम अच्छी तरह से हमारा जो सब्जी था उस पे कोट हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो टमाटर की प्यूरी हमने जिस कटोरी में रखा था उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल दिया है और अब हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट इसी तरह से और पका लेंगे। और पानी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप जितना थिक या फिर पतला खाना पसंद करते हैं। ये देखिए हमारी आलू सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये सब्जी मुझे पूरी के साथ खाना बहुत पसंद है। आपको किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। कैसे लगी आपको ये रेसिपी? आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।